तो कहानी शुरू होती है एक पुलिस वाले से जिसकी लाइफ में बहुत बड़ा दुख है क्योंकि एक क्रिमिनल है जिसने इसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है और शहर में बहुत ही भयंकर भयंकर कत्ल किए हैं। और यहाँ नेक्स्ट शॉट में टीवी में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति सामने आया है जिसने कहा है कि इसने बहुत सारे मर्डर किए हैं और उसने उस मर्डर के लिए एक किताब भी लिखी है जिसमें हीरोइन का भी मर्डर किया इसने, यानी कि उस पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड का। और यहाँ का एक रूल होता है कि अगर क्रिमिनल ने क्राइम किया है तो उसको 2 साल के अंदर साबित करना होता है, अगर साबित नहीं कर सके तो वो आदमी अगर सामने से आकर भी कहे कि मैंने मर्डर किया है तो आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, ये यहाँ का कोई रूल होता है। तो ये आकर कन्फेस करता है कि मैंने वो सारे मर्डर किए हैं, तो कुछ लोगों को शक होता है तो वो लोग अपने डाउट क्लियर करते हैं कि ऐसे कैसे तुमने मर्डर किया, हम कैसे यकीन कर ले। तो वो कहता है कि मैंने हर मर्डर की डिटेलिंग इस बुक के अंदर लिखी है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये बंदा जिसने मर्डर किए हैं ये लोगों के घर घर जाकर उनसे माफ़ी मांगता है जिनके भी परिजनों को इसने जान से मारा है। तो वो आता है इस पुलिस वाले के पास भी और वो इससे माफ़ी मांगता है, लेकिन ये पुलिस वाला उसके ऊपर झूठे चाउमीन फेंक फेंक कर इसको यहाँ से भगा देता है, कहता है साले निकल यहाँ से। और नेक्स्ट शॉट में यहाँ पर अफरा तफरी होता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो जो लड़की मरी थी उसकी माँ बीच में बैठी है और उसके साथ उसके घर के सभी लोग हैं, उसका पापा, उसके चाचा, उसके ताए, सब लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि उस बंदे को हम कैसे मारें जिसने हमारी बेटी को मार दिया है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि वो बंदा जब नहाने जाएगा तो सारा स्विमिंग पूल वो बुक कर लेता है ताकि कोई और ना वहाँ पर आ सके, तो ये लोग उसके स्विमिंग पूल में सांप छोड़ देंगे, नौकर बन के जाएगा। तो यहाँ पर लड़की का बाप नौकर बनकर आता है और स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे सांप छोड़ देता है और वो सांप इसको काटने लगते हैं। और तभी ये लोग, लड़की के घर वाले, उसको अपने वैन के अंदर डालने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हीरो दूसरी वैन लेकर आता है असली वाली और ये लोगों को यहाँ पर इसको छोड़कर भाग जाना पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोगों ने डिबेट करनी है कि सच में असली है या नहीं, जिसको डाउट है वो लाइव शो में आकर पूछ सकता है। तो यही इंटरव्यू हीरो को भी देना है पुलिस वाले को। तो ये सब लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लाइव डिबेट। तो यहाँ पर लाइव डिबेट के अंदर ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं, मैंने मारा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और लोगों के फैक्ट का जवाब दे रहे होते हैं कैसे मारा, क्यों मारा। फिर वहाँ पर आता है असली क्रिमिनल और वो भी दावा करता है कि मैंने असल में मारा है, ये जो स्वीट सा बंदा है ये तुम्हारे सामने ड्रामा कर रहा है। फिर यहाँ पर हीरो इससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने ही वो सारे मर्डर किए हैं, तुम असली किलर हो। तो ये बोलता है कि जो आखिर को मैंने इतने बजे इस जगह पर मारा है, जाकर उसकी लाश ढूंढ लो, और यही डिटेल वो नहीं दे पाया था दूसरे वाला। तो यहाँ पर ये टीम जाती है, यहाँ पर खुदाई करती है और उन्हें मिल जाती है वो लाश, और फिर वो अपना चेहरा रिवील करता है कि ये हूँ मैं। और फिर यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट आता है कि इसने जिस लड़की को मारा था उसकी मौत इतने से इतने बजे हुई थी और इसकी कंप्लेंट इतने बजे हुई है, यानी कि इस लड़की का केस अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी एक मर्डर का चार्ज इस पर लग सकता है। तो हीरो लेता है उसको गन पॉइंट पे, कहता है चल अंदर चल। तो ये रोता है और तभी वहाँ पर वो हेरा फेरी करके वहाँ से भागने लगता है और हमें पता चलता है वो जो जिसने पहले ये सारे मर्डर एक्सेप्ट किए थे मैंने किया है, वो एक सीक्रेट एजेंट है। इन सब का प्लान यही था, इन पुलिस वालों के साथ मिलकर प्लान ये था कि असली क्रिमिनल को किसी तरीके से सामने लाना, और आज ही उस क्रिमिनल को सामने ले आए हैं और अभी भी उस पर एक चार्ज चल रहा है। ये भागने की कोशिश करता है लेकिन हीरोइन की माँ इसको जहरीला इंजेक्शन देकर मार देती है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई जाती हैप्पी एंडिंग, इस परिवार के साथ एक और व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है उस पुलिस वाले का, और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म एक बदले की कहानी है कि कैसे एक सुपर एक्सपर्ट क्रिमिनल होता है जिसने इतनी बारीकी से मर्डर किए होते हैं, और यहीं पर हमें दिखाई जाती है पुलिस की, पुलिस के पास भी कितनी ताकत है, कितना उनके पास दिमाग है, और उन्होंने अपना दिमाग चलाकर इस क्रिमिनल को कैसे पकड़ा। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, हम आपको वहां पर लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।